लास्ट वीडियो में हम लोगों ने रॉड्रिक फॉर्मूलास और उसके डेरिवेशन के बारे में देखा। आज हम लोग लेजेंडर पॉलिनोमियल्स और रॉड्रिक फॉर्मूला दोनों को मिलाकर कैसे हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल्स फाइंड कर सकते हैं उसको देखेंगे। सो एज वी नो दैट द लेजेंडर फ्रॉम लेजेंडर पॉलिनोमियल द रॉड्रिक फॉर्मूला इज पी एन एक्स दैट इज लेजेंडर पॉलिनोमियल्स ऑफ फर्स्ट काइंड पी एन एक्स इज इक्वल टू 1 बाई 2 टू द पावर एन फैक्टोरियल एन डी टू द पावर एन डी एक्स टू द पावर दैट इज एन एट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 टू द पावर एन। नाउ इफ वी सब्स्टिट्यूट एन इज इक्वल टू 0 दैट इज एन के जगह पे अगर हम लोग 0 पुट करें तो ये हो जाएगा पी नॉट एक्स या पी 0 एक्स 2 टू द पावर 0 फैक्टोरियल 0 एंड डी का पावर 0 एंड डी एक्स टू द पावर 0 ऑलवेज इक्वल टू 1 एंड हम लोग जानते हैं कि 2 टू द पावर 0 और फैक्टोरियल 0 का वैल्यू 1 होता है। सो पी नॉट एक्स या पी 0 एक्स दैट इज लेजेंडर पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर 0 या एन इज इक्वल टू 0 इसका वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। नेक्स्ट फॉर हायर वैल्यू ऑफ एन दैट इज एन इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पी 1 एक्स 2 टू द पावर 1 फैक्टोरियल 1 d by dx that is first order derivative of x square minus 1 2 to the power 1 का वैल्यू होता है 1 factorial 1 का वैल्यू होता है 1 and x square minus 1 का first order derivative that is dx के रिस्पेक्ट में ये हो जाएगा 2x so 2 to cancel हो जाएगा यहाँ पे और इसका वैल्यू हो जाएगा x so p1x का वैल्यू हो गया x। उसी तरह से n is equal to 0 sorry n is equal to 2 जब पुट करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 1 by P2x is equal to 1 by 2 to the power 2 factorial 2 d2 by dx square that is second order derivative of x square minus 1 यहाँ power n है तो ये भी square हो जाएगा। So we have 2 to the power 2 is equal to 2 and factorial 2 is equal to 2 4 into 2 is equal to 8 and the first order derivative of x square minus 1 x square minus 1 का first order derivative हो जाएगा 2 times x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x। अब इस टर्म को फिर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो ये 2 बाहर निकल गया यहां से भी 2 बाहर निकला 2 into 2 हो गया 4 4 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 by 2। अब इसको u into v के मेथड से इसको हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टाइम इसको कांस्टेंट रखते हैं x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1 और नेक्स्ट टाइम में 2x कांस्टेंट रहेगा और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा यहां पे 2x तो ये हमारा टर्म हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1 बाय 2 3x स्क्वायर माइनस 1। इसी तरह से बाकी टर्म्स का भी हम लोग डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है तो एक एक करके हम लोग बाकी टर्म्स को भी फाइंड करेंगे और एज्यूम कर लेंगे कि n इज इक्वल टू 4 n इज इक्वल टू 5 बाकी टर्म्स में इसका वैल्यू क्या क्या होगा। तो जैसे हम लोगों ने n इज इक्वल टू 0 n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3 के लिए अलग अलग वैल्यूज फाइंड किए उसी तरह से और हायर वैल्यूज ऑफ n दैट इज n इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो p3 का वैल्यू आएगा 1 बाय 2 5x क्यू माइनस 3x। उस तरह से n इज इक्वल टू 4 पुट करेंगे तो p4 का वैल्यू आएगा 1 बाय 8 35x टू द पावर 4 माइनस 30x स्क्वायर प्लस 3। उस तरह से n इज इक्वल टू 5 पुट करेंगे तो p5 का वैल्यू आएगा 1 बाय 8 63x टू द पावर 5 माइनस 70x क्यू प्लस 15x एंड नेक्स्ट वैल्यू ऑफ n that is p6x is equal to 1 by 16 231 x to the power 6 minus 315 x to the power 4 plus 105 x square minus 5। so इसी तरह से अगर terms को हम लोग देखें तो हमारा pnx जो हो जाएगा जो इस summations को use करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं summation r is equal to 0 to infinity इसको हम लोग nth order derivative में भी देख चुके हैं माइनस 1 टू द पावर आर 2n माइनस 2r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल आर n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस 2r फैक्टोरियल x इनटू 2 टू द n टू द पावर x टू द पावर n माइनस 2r। इसको हम सेपरेटली अलग से भी फाइंड करेंगे एक प्रॉब्लम लेके कि कैसे ये nth ऑर्डर डेरिवेटिव में वैल्यू आया। अब ये जो वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया इस वैल्यूज को फाइंड करके हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमको फोर्थ ऑर्डर एटलीस्ट P4 तक हमारा वैल्यू याद रहना जरूरी है दैट इज P0 का वैल्यू
पी नॉट एक्स वन होता है, पी टू एक्स जो होता है वो हाफ थ्री एक्स स्क्वायर माइनस वन होता है, पी वन एक्स का वैल्यू एक्स होता है, पी थ्री का वैल्यू और पी फोर का वैल्यू, ये वैल्यू हमको याद रहना जरूरी है ताकि प्रॉब्लम्स हम लोग इजिली सॉल्व करें, जो कि प्रॉब्लम्स जो भी हमारे आते हैं मैक्सिमम फोर्थ ऑर्डर तक ही आते हैं, और अगर हमारा प्रॉब्लम्स मान लें ये फोर्थ ऑर्डर तक हमको याद ना हो तो फिर इस फॉर्मूले को यूज करते हुए हम लोग फोर्थ ऑर्डर तक फाइंड करेंगे, जो एक लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, इसलिए फोर्थ ऑर्डर तक एटलीस्ट हम लोग को याद रहना होगा कि पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स और पी फोर एक्स का वैल्यू क्या क्या होता है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स में लेजेंडर डिफरेंशियल इक्वेशंस में लेजेंडर पॉलिनोमियल को यूज करते हुए या तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से लेजेंडर पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में इक्वेशंस प्रॉब्लम्स आते हैं, या फिर लेजेंडर पॉलिनोमियल्स को दिया हुआ रहेगा उससे हमको सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में या फिर सिंपल लीनियर इक्वेशंस में हम लोग को सॉल्व करना रहेगा। तो अभी पहला हम लोग प्रॉब्लम ले रहे हैं कि कह रहा है कि ये प्रॉब्लम की एक्सप्रेस एफ एक्स 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2 इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, इसको हम लोग को लेजेंडर पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको चेंज करना है। तो लेजेंडर पॉलिनोमियल हम लोग जानते हैं क्या होता है, पी नॉट एक्स, पी वन एक्स, पी टू एक्स, पी थ्री एक्स। अब इसमें हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि कैसे इसको हम लोग स्पेंड करें, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि x का मैक्सिमम पावर क्या है। x का मैक्सिमम पावर यहाँ पे है q, और पी थ्री एक्स में हमारा मैक्सिमम पावर जो आता है वो आता है एक्स क्यू। तो ये टर्म्स जो हमारा लिखेंगे हम लोग, लेट 4x³ प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2 इज इक्वल टू a टाइम्स p3x। अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में जाएगा और कहां तक जाएगा, जीरो तक जाएगा जो मिनिमम पावर है, प्लस b टाइम्स p2x प्लस c टाइम्स p1x प्लस d टाइम्स P not X। अब इस सभी के वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देंगे, P3 का वैल्यू होता है 1/2 5x³ माइनस 3x। B, P2 का वैल्यू होता है 1/2 3x² माइनस 1 प्लस C, P1 का वैल्यू होता है X और D, P not का वैल्यू होता है 1। अब ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम अगर 2 भी लें या किसी भी फॉर्म में लें तो पहला टर्म हो जाएगा 5/2 a टाइम्स एक्स क्यू माइनस 3/2 a ऑफ x प्लस 3/2 b एक्स स्क्वायर माइनस b बाय 2 प्लस c x प्लस d। अब एक्स क्यू का टर्म तो एक है, एक्स स्क्वायर का भी टर्म एक है और एक्स का भी एक टर्म है, लेकिन ये जो कांस्टेंट टर्म है, एक्स का टर्म एक यहां पे है और एक यहां पे है, और कांस्टेंट का टर्म एक यहां पे है और एक यहां पे है, तो इस दोनों को हम लोग कंबाइन करके लिखेंगे। सो ये हो जाएगा 5/2 ए एक्स क्यू देन 3/2 बी एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट यहां पे दोनों में हो जाएगा हमारा एक्स अगर कॉमन ले लें तो हो जाएगा माइनस 3/2 ए माइनस बी बाई टू, और सॉरी ये हम लोग इसके साथ लेंगे ना, एक्स के साथ, तो ये कॉमन लेंगे तो एक्स कॉमन लेंगे तो यहां प्लस सी हो जाएगा, और इस दोनों में हो जाएगा डी माइनस बी बाई टू। तो अब इधर हमारा टर्म है एलएचएस में एक्स क्यू प्लस 6x² प्लस 7x प्लस 2, इसकी अब जरूरत नहीं है हमें। अब हम लोग क्या करेंगे कि x के जो कोफिशेंट्स हैं उसको कंपेयर करेंगे, एक्स क्यू के कोफिशेंट को, एक्स स्क्वायर के कोफिशेंट को, x के कोफिशेंट को और x क्यू पावर जीरो यानी बिना टर्म वाले x वाले कोफिशेंट को कंपेयर करेंगे। तो कंपेयरिंग और इक्वेटिंग, इक्वेटिंग द कोफिशेंट ऑफ एक्स क्यू एक्स स्क्वायर x and x to the power 0 on both side, तो क्या हो जाएगा, x cube का यहां पे coefficient है 5/2 a और यहां पे है 4, तो 5/2 a is equal to हो जाएगा 4, तो a का value हो जाएगा 4 into 2/5 that is
8 by 5. Similarly, B के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो 3 by 2 B is equal to हो जाएगा 6. So B is equal to हो जाएगा 6 into 2 divided by 3, that is 4. उसी तरह से X के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो हो जाएगा minus 3 by 2 A plus C is equal to 7. और A का वैल्यू हम लोग फाइंड कर चुके हैं, तो A का वैल्यू हम लोग यहां पुट कर देंगे, 8 by 5 plus C is equal to 7. तो ये C is equal to हो जाएगा 7 plus 24 divided by 10, that is 70 plus 24 by 10, that is 94 by 10. इसको हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2 4 जा 8 and 7, 47 by 5. और D minus B by 2, D ये जो टर्म है, D minus B by 2 is equal to 2, D minus B by 2 is equal to 2, तो D का वैल्यू हो जाएगा 2 plus B by 2, और B का वैल्यू हम लोगों ने 4 निकाला है, तो 2 plus B का वैल्यू हो गया 4 by 2, that is 2, 2 plus 2 is equal to 4. तो इस तरह से ये जो वैल्यू हम लोगों का फाइंड हो गया A, B, C और D के वैल्यू, इसको हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे. चेक कर लें कि ये वैल्यू सही है कि नहीं. A is equal to 8 by 5, B is equal to 4, C is equal to 47 by 5 and D is equal to 4. Okay. So, हमारा जो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया और हम लोग जो लेजेंडर पॉलिनोमियल के फॉर्म में इसको लिखना था, तो ये हो जाएगा इस इक्वेशन का लेजेंडर पॉलिनोमियल. A का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 8 by 5 P3X, B का वैल्यू हम लोगों ने निकाला 4 P2X, C का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 47 by 5, 47 by 5 P1X, और D का वैल्यू हम लोगों ने फाइंड किया 2 plus 2 is equal to 4, 4 P0X. So, जो हमारा प्रॉब्लम था कि एक्सप्रेस दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ लेजेंडर पॉलिनोमियल, तो ये लेजेंडर पॉलिनोमियल के रिस्पेक्ट में ये सॉल्व हो गया. तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारा लेजेंडर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसको हम लोग किस तरह से इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं. होपफुली इस तरह के प्रॉब्लम्स आप इजीली हम लोग से सॉल्व हो जाएंगे. और रॉड्रिक फार्मूलाज और रॉड्रिक फार्मूला से रिलेटेड लेजेंडर पॉलिनोमियल के सारे प्रॉब्लम अब हमारे इजीली तरह से सॉल्व हो सकते हैं.